अब नए वीडियोस देखिए हर वेंसडे और सैटरडे को। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बिहारी जायका में। आज हम बनाएंगे झुंगनी की सब्जी। इसे बनाने के लिए 500 ग्राम झुंगनी को छील के काट लें, एक बड़े साइज के टमाटर, एक छोटी कटोरी चना दाल जिसे 2 घंटे पानी में भिगो के रखे थे, 4 चम्मच सरसों, 1 लहसुन, 5 लाल मिर्च का थोड़ा पानी डाल के पेस्ट बना लें। पैन में 2 बड़े चम्मच सरसों तेल डालें। तेल गर्म हो जाए तब इसमें 1/2 चम्मच मेथी डालें। अब सरसों के पेस्ट को डालें, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें, मिक्स करें। अब इसके सारे पानी सूखने तक भूनें। जब पानी सूख जाए तब इसमें चना दाल डालें, मिक्स करें और स्वाद अनुसार नमक डालें। अब 1/2 कटोरी पानी डालें। अब इसे लो फ्लेम पे कवर करके रख दे चना दाल के गलने तक। बीच बीच में चलाते रहें। जब दाल गल जाए तब इसमें टमाटर और झुंगनी डालें, मिक्स करें। अब इसे कवर करके छोड़ दें। झुंगनी में बहुत ज्यादा पानी होता है इसलिए इसमें ऊपर से पानी ना डालें। जब झुंगनी गल जाए तब हाई फ्लेम पे पानी सूखने तक भूनें। अब इसमें कटे हुए धनिया पत्ता डालें, 2 मिनट के लिए कवर करके लो फ्लेम पे रखें। अब फ्लेम ऑफ कर दें। अब आपकी झुंगनी की सब्जी बनके रेडी है। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। बस कुछ टिप्स ध्यान रखें कि टमाटर को दाल के गलने के बाद ही डालें। अगर आप टमाटर पहले डाल देंगे तो दाल जल्दी गलेगी नहीं, और टमाटर कच्चे यूज करें जिससे सब्जी में खट्टा फ्लेवर आए जो सब्जी का स्वाद बढ़ा देगी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।